हाँ, तो दोस्तों बजाज फाइनेंस का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 12 से 13% गिर चुका है, लेकिन यहाँ पर इसके पीछे का एक रीजन है जिसकी वजह से ये स्टॉक गिर रहा है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी जो मंडे यानी कि अभी आज वेनसडे, तो मंडे के दिन CLSA यानी कि ये जो एक ब्रोकिंग फर्म है, इनकी एक रिपोर्ट आई थी कि बजाज फाइनेंस की आने वाले जो 5-6 महीने की जो उनकी लोन बुक है वो वहाँ पे इतनी अच्छे तरीके से ग्रो नहीं होगी, क्योंकि उनके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर थे तो वहाँ पर उन्हें इतना बिजनेस नहीं मिलेगा, तो उनकी जो लोन बुक है तो वहाँ पर इतने अच्छे तरीके से ग्रो नहीं होगी, तो आने वाले 5 से 6 महीने की में इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अच्छे से ग्रो नहीं होगी, ऐसा CLSA का मानना है। उसके अलावा अगर हम बोलेंगे तो जो उन्होंने यहाँ पे टारगेट प्राइस बजाज फाइनेंस का दिया है, तो उन्होंने शॉर्ट टर्म का जो बजाज फाइनेंस का टारगेट दिया है वो दिया है 6,000 रुपए का। देखिए, अभी भी अगर हम देखेंगे तो 6,800 के लगभग ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से भी 12 से 13% नीचे हमें यहाँ पे ये टारगेट प्राइस नजर आता है। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे ब्रोकिंग फर्म्स वगैरह रहते हैं कि जिसकी वजह से ये थोड़ा हमें मूवमेंट देखने को मिलता है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि कभी अपवर्ड साइड के भी हमें टारगेट देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन देखिए, कभी भी अगर नेगेटिव कमेंट्री अगर हमें देखने को मिलती है और वहाँ पर ये जो ब्रोकिंग फर्म्स होती है, कुछ जो FIIs होते हैं यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन्हें ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, यानी कि इनकी जो रिपोर्ट वगैरह होती है उसके हिसाब से अपने डिसीजन वो लेते हैं, तो यहाँ पर उनकी ये रिपोर्ट निकली है तो जो कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे अपने स्टॉक्स सेल करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे जो बजाज फाइनेंस हो गया और बजाज फिनसर्व, ये दोनों ही स्टॉक हमें यहाँ पे अभी गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लगभग 12 से 13% ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से गिर चुका है, और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे बजाज फिनसर्व की तो वो भी अराउंड अगर हम देखेंगे तो 19,000 का लगभग ऑल टाइम हाई था, और अभी 17,000 के नीचे अभी बजाज फिनसर्व भी ट्रेड हो रहा है। देखिए, मेरे ख्याल से बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करेंगे तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के तो इन्हें बिजनेस मिल ही रहा है, उसके अलावा जो एग्रेसिवली नए कस्टमर्स के ऊपर यहाँ पे कंपनी का फोकस है, अगर हम देखेंगे तो नए कस्टमर्स भी कंपनी एग्रेसिवली ऐड कर रही है। अगर हम पिछले 1 साल में देखेंगे तो लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी ने नए कस्टमर्स ऐड किए। देखिए, 5 करोड़ का कस्टमर बेस होना एक छोटी बात नहीं है, और जिस तरीके से एग्रेसिवली बजाज फाइनेंस जिस तरीके से आगे बढ़ा है, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे इन्हें, मुझे लगता है कि आने वाले 3 से 4 महीने बाद या फिर 1-2 साल बाद इन्हें बैंकिंग का लाइसेंस भी मिल सकता है। अगर बैंकिंग का लाइसेंस मिलता है तो जो कॉस्ट ऑफ मनी होगा वो यहाँ पे काफ़ी कम हो जाएगा, और एट दी एंड जिस तरीके से लोन बुक ग्रो करने में बजाज फाइनेंस एक एक्सपर्ट हमें यहाँ पे नजर आता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा यहाँ पे ये साबित हो सकता है। मेरे ख्याल से अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो मेरे ख्याल से जरूरी ये स्टॉक आपके रडार पे होना चाहिए। 12 से 13% ये स्टॉक गिरा है, भले उन्होंने 6,000 का टारगेट प्राइस दिया है, तो जनरली हमें जब ये रिपोर्ट वगैरह आती है तो स्टॉक में थोड़ा करेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन जितना प्राइस होता है उस प्राइस तक हमें स्टॉक बहुत ही रेयर चांसेस में हमें वो जाता हुआ नजर आता है, इसीलिए मेरे ख्याल से एक बढ़िया यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपके लिए प्रेजेंट हो रही है। मेरे ख्याल से जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है उन्हें यहाँ पे जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि बजाज फाइनेंस का स्टॉक क्यों गिर रहा है ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।